जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो घमासान मची हुई है, पिछले कुछ महीनों से मची हुई है, अभी फिर से उसने आग पकड़ ली है। और ये जो घमासान मची है वो है सचिन पायलट जी जो हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। समय समय पर सचिन पायलट जी उग्र होते रहते हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कभी अनशन पर बैठ जाते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं जिससे पायलट जी, जिससे गहलोत जी गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरह की वहाँ पर राजनीतिक रस्सा कशी चल रही है। अब ये जो राजनीतिक रस्सा कशी चल रही है तो इसमें क्या, अब देखिए चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, बस ये अप्रैल का महीना चल रहा है और नवंबर या दिसंबर में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जिसमें मैंने 3 राज्यों के बारे में प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले, मतलब इस साल में खास करके जो 3 बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो किसकी सरकार बनने के योग ज्यादा है। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि राजस्थान में कांग्रेस जो है अभी रिपीट नहीं होगी। खैर उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था कि बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव की डेट्स पर, रिजल्ट की डेट पर। कैंडिडेट जो मेन कैंडिडेट है, सीएम उम्मीदवार, बीजेपी किसको खड़ा करती है सीएम उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस में तो आई थिंक अशोक गहलोत है ही, तो और फिर उसके बाद ये सचिन पायलट जी का बार बार उग्र हो जाना। तो फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सचिन पायलट जी जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, क्या उनकी जो लालसा है मुख्यमंत्री बनना, ऊंचा पद प्राप्त करना, क्या वो संभव है, नहीं है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन के पास में आपको बेल आइकॉन नजर आएगा, उसको आप टैप कर दीजिए। धीरे से 3 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे जब भी मैं इस चैनल पर लाइव आऊंगा या कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। हमारे चैनल पर कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी अपलोड हुए हैं, होते हैं, एक सीरीज नई शुरू हुई है और उसी सीरीज में आगे कुछ और भी वीडियोस आने वाले हैं जो आपको डे टू डे नॉलेज ज्योतिष शास्त्र से संबंधित या फिर आपका, आप कह लीजिए कि जो कुछ छोटे मोटे उपाय हैं उनसे संबंधित आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होता है जिसमें एक उपाय दिया हुआ होता है, कभी कुंडली से संबंधित, कभी ग्रह से संबंधित, कभी वास्तु से संबंधित, तो ये सब चीजें इसमें रहती है। अब देखिए अगर, हाँ एक और चीज, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आप राजस्थान से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके आपके थॉट्स जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, या आपको क्या लगता है वहां पर क्या माहौल है। खैर कुंडली और ग्रहों की चाल तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन आप सचिन पायलट जी के पक्ष में हैं या सचिन पायलट जी के बारे में आपकी क्या राय है, आने वाले चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, आप अगर राजस्थान से या राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स ओपन है उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सचिन पायलट जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट जी की 3 कुंडलियां नेट पर आपको मिल जाएगी। एक कुंडली है वृश्चिक लग्न की, दूसरी कुंडली है तुला लग्न की और तीसरी कुंडली है सिंह लग्न की। ऐसी 3 कुंडलियां आपको नेट पर मिल जाएगी या कहीं ना कहीं कोई उसी में आपको मिल जाएगी, गूगल आप करेंगे तो आपको मिलेगी 3 अलग अलग कुंडलियां आपको मिलेगी। डेट सभी में सेम है, समय का अंतर है थोड़ा थोड़ा और बर्थ प्लेस सेम है। देखिए जो उनकी, जो मुझे कुंडली लगी जो सही है वो उनकी कुंडली है सिंह लग्न की, सिंह लग्न की उनकी कुंडली है।
मैं आपको थोड़ा सा कुंडली के बारे में ब्रीफ बता देता हूँ। सी में लग्न की कुंडली है सचिन पायलट जी की, और लग्न में ही सूर्य शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है। तीन ग्रह लग्न में ही बैठे हैं। सूर्य 20 डिग्री का है, बुध 17 डिग्री का है, और शनि 0 डिग्री का है। उसके बाद हम बात करें दूसरे भाव के बारे में, तो कन्या राशि वहाँ पर आती है। राहु वहाँ पर 23 डिग्री में बैठे हैं। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भाव, ये भाव खाली हैं। आठवें भाव में केतु है मेन राशि में 23 डिग्री। उसके बाद नवा भाव, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। दसवें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। ग्यारहवें भाव में यानी कि मिथुन राशि में गुरु, चंद्र और मंगल, इन तीनों की युति बनी हुई है। गुरु यहाँ पर 9 डिग्री के है, चंद्रमा 5 डिग्री और मंगल 10 डिग्री के हैं। और बारहवें भाव में यानी कि कर्क राशि में शुक्र है जो 17 डिग्री के हैं। अब ये तो हो गई इनकी कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली है, और वर्तमान में इन्हें शनि की महादशा चल रही है। शनि के अंदर इनका जो प्रत्यंतर चल रहा, अंतर चल रहा है, अंतरदशा जो हम बोलते हैं वो है। अभी तक इनको शनि के अंदर सूर्य की अंतरदशा चल रही थी। देखिए 21 जनवरी 2022 से इनको 3 जनवरी 2023 तक शनि के अंदर सूर्य चला, और आपने अगर नोटिस किया हो पिछले लगभग एक साल से यानी कि 2022 से ये अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं, और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गए हैं, ज्यादा बोलने लगे अपनी सरकार के खिलाफ। और पिछले एक साल से जब से इनको शनि के अंदर सूर्य शुरू हुआ, अब शनि के अंदर जो सूर्य के अंदर दशा चल रही थी वो समाप्त हो गई, और उसके बाद अब अंतर दशा लगी है चंद्र की, शनि के अंदर चंद्र की अंतर दशा, जो 3 अगस्त 2024 तक रहेगी। और अब यहाँ पर देखिए देखिए कुंडली की हम बात करें तो गुरु चंद्र मंगल की युति 11वें भाव में बनी है, यानी कि गुरु चंद्र मतलब की गज केसरी, और लक्ष्मी योग, चंद्र मंगल जब साथ में होते हैं तो लक्ष्मी योग बनता है, तो गज केसरी योग और लक्ष्मी योग इनके एकादश भाव में बना है, लाभ भाव में। तो ये धनवान, देखिए इनके जो पिता थे वो भी काफी अच्छे और एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और लेकिन पिता का साथ इन्हें नहीं मिला किसी वजह से। तो देखिए यहाँ पर क्यों नहीं मिला वो भी मैं बताऊंगा। देखिए सूर्य का लग्न में होना, और सिंह, देखिए सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले, अगर आपकी सिंह राशि एम या टी से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी सिंह राशि है, या सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली हो तो सिंह लग्न वाले अपने आप में ही एक फ्री होकर काम करने वाले होते हैं, उन्हें किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता है, और काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपने जो अपने से अधीन काम करने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा नौकर जैसा ट्रीट करते हैं। इनका नैसर्गिक गुण मैं बता रहा हूँ सिंह लग्न या सिंह राशि वालों का। इनको अगर कोई बात कोई बोल दे, अगर इनका सीनियर भी बोल दे तो इन्हें पसंद नहीं आती है वो बात, इन्हें काम करवाना पसंद होता है ना कि काम करना। अब यहाँ पर सचिन पायलट जी के साथ परेशानी ये है कि ये काम कर रहे हैं, काम करवा इनसे और कोई रहा है, ये काम कर रहे हैं जो इन्हें पसंद है नहीं, और ऊपर से सूर्य लग्न में बैठे ना स्व राशि होना, मतलब ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं ये और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर शनि का साथ में बैठ जाना, तो सूर्य शनि देखिए पिता पुत्र, लेकिन सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे से एंटी, हालांकि शनि की डिग्री 0 है, जरूर मैं मानता हूँ कि शनि वहां पर इतने बलवान नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में तो आ रहे हैं कुंडली में तो उसका असर जरूर रहेगा। तो शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र है लेकिन एंटी है, तो देखिए जैसे इनके पिता राजनीति में नहीं रहे तो फिर इनका राजनीति में इनकी एंट्री हुई, और अच्छी खासी एंट्री हुई, महत्वाकांक्षी हैं, मतलब इन्हें बहुत जल्दी ऊंचा पद चाहिए। देखिए अभी इनकी उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर कोशिश करेंगे केंद्र में आ जाए या कोई और बड़ा पद मिल जाए, राज्यपाल बन जाए, इस तरह का इनकी महत्वाकांक्षा हमेशा बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो हम बात कर रहे हैं इनका राजनीतिक भविष्य, देखिए बड़ा पद या ऊंचा पद जो इनकी महत्वाकांक्षा, जो मेन इनकी इच्छा है, जो मेन जो रीजन है जिसकी वजह से अभी राजस्थान में कुछ समय से खींचातानी चल रही है, तो अब आगे क्या होगा इनका, देखिए अभी फिलहाल ये बार बार ऐसा होता रहेगा, और 22 अप्रैल के बाद तो आप देखेंगे कि ये और फ्रिक्वेंट हो जाएगा। अभी अगर 2 महीने में एक बार होता है तो हर महीने होने लगेगा,
और जल्दी होने लगेगा, या एक अपना खुद ही एक कोशिश करेंगे पार्टी में दरार पैदा करने की। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि खींचतान चलेगी, लेकिन सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जो अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनी हुई है, वो तो ऑलमोस्ट 4 साल, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं, कुछ ही महीने की बात है, लेकिन वहां पर सरकार तो चलेगी, लेकिन खींचतान चल रही है। मैंने पहले भी वीडियो में, कई बार वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, 4-5 ऐसे राज्य बताए थे जहां पर राजनीतिक खींचतान, जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र जहां पर हो चुका है फेरबदल, मध्य प्रदेश में मैंने बताया था, उसके अलावा मैंने बताया था राजस्थान से आप बिल्कुल भी नजरें मत हटाइएगा, वहां पर देखिएगा, और वहां पर ये शुरू हो गया। ये बात मैं 1.5 साल पहले की बता रहा हूँ, लगभग 1.5 से 2 साल पहले की। अब इन्हें चाहिए ऊंचा पद, बड़ा पद। अब यहाँ पर अगर हम पद की बात करें तो 10वां भाव, देखिए अब 10वें भाव में शनि बहुत पावरफुल होते हैं, अगर आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में बैठे हैं, हालांकि वो नीच के नहीं है अगर, तो वहां पर पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊंचा पद जिसकी हम बात करें, तो वहां पर शनि और सूर्य दोनों देखे जाते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में बैठ गए हैं, तो इन्हें ये जो युति बनी है इनकी कुंडली में, बुधादित्य योग बना है तो अच्छी बात है, गज केसरी योग भी बना है, लक्ष्मी योग भी बना है, लेकिन ये जो इनकी छटपटाहट है ऊंचा पद प्राप्त करने की, तो शनि और सूर्य वहां पर परेशानी पैदा कर रहे हैं, खास करके शनि वहां पर परेशानी पैदा कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, अभी इनकी शनि के अंदर चंद्र की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, जो अगस्त 2024 तक रहेगी, और उसके बाद शनि के अंदर मंगल आएगा जो सितंबर 2025 तक चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि ये कांग्रेस से, चुनाव आते आते ये कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, या किसी भी पार्टी में शिफ्ट हो जाए। मैं ऐसा नहीं है कि बीजेपी में, ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी में शिफ्ट होंगे, लेकिन पार्टी शिफ्ट करने के योग, जंप करने के योग इनके बने हुए हैं। और देखिए अब क्या पार्टी शिफ्ट करने से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वहां पर भी इनको बहुत परेशानियां आएगी, हालांकि बहुत परेशानियां आएगी मुख्यमंत्री बनने में, लेकिन हालांकि देखिए इनके जो अंतर्दशा, हाँ एक और बात, इनकी कुंडली में देखिए काल सर्प योग भी बना हुआ है, काल सर्प दोष भी बना हुआ है इनकी कुंडली में, तो इस कारण भी इन्हें थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अगर हम देखें 4था भाव, यानी कि जहाँ से जनता का सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के सामने मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहे हैं। हालांकि सपोर्टर इनके हैं, अच्छा खासा है इनका जो ग्रुप है, जो बेस है जनता का, जो भी आप कह दें, अच्छा खासा है, सपोर्ट रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसी स्थितियां पार्टी चेंज करने के बाद भी बहुत कम है। हालांकि अब ये उस समय की बात होगी कि कब, किस समय पे ये पार्टी चेंज करते हैं, कौन सी पार्टी में जाते हैं, तो ये उस समय के ग्रह और गोचर पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो इनका, इनकी खुद की कुंडली से जो दिख रहा है, वो ये है कि इनका अभी राजनीतिक करियर डामाडोल रहेगा, इनको इतनी जल्दी तो कोई ऊंचा पद प्राप्त होता नजर नहीं आ रहा है, इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ अगर मान लीजिए ये काल सर्प दोष जो बना हुआ है उसका कुछ उपाय कर लेते हैं, और अगर ये सूर्य शनि की जो युति है तो शनि के कुछ उपाय कर लेते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल सकती है, चांस जरूर बन सकते हैं। अब उस जो मौका है उसको भुनाना वो इनके हाथ में है, लेकिन हाँ उपाय करने के बाद योग बढ़ जाएंगे, जो अभी कम है वो बढ़ जाएंगे, वो कितना बढ़ जाएंगे या वो सब डिपेंड करेगा उस समय की स्थिति पर, लेकिन इनको अभी बहुत संघर्ष करना है राजनीति में, इतनी आसानी से ऊंचा पद इनको नहीं मिलने वाला, चाहे वो मुख्यमंत्री का, क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी वहां से भी इनको वो भी पद ले लिया गया है इनसे, तब उसके बाद ये खुलकर बोलने लगे, मुखर होकर बोलने लगे इनकी ये पार्टी के खिलाफ। तो फिलहाल इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि महत्वाकांक्षी तो बहुत है, मुख्यमंत्री इन्हें बनना है, और अपनी पार्टी के खिलाफ ये हो जाएंगे धीरे धीरे, और चुनाव आते आते मतलब कि अक्टूबर नवंबर या उसके पहले अब देखिएगा कि ये पार्टी जरूर चेंज करेंगे। अब ये बीजेपी में जाते हैं, आप में जाते हैं, किसी और पार्टी में, वो तो
टाइम पर पता चलेगा, इससे बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्टी बदलेंगे जरूर। हाँ, एक ये भी योग है कि किसी पार्टी में ना जाते हुए अपना ही अलग अगर ये दल बना ले, अगर ऐसा ये करते हैं तो फिर तो और मुसीबतें ये इनके लिए पैदा कर लेंगे, और अगले 3-4 सालों तक तो फिर ये मतलब राजनीति में रहें तो भी इन्हें कोई मतलब रहे ना रहे वो बराबर वाली स्थिति रहेगी कि राजनीति में है लेकिन पावर नहीं है इनके पास। तो पावर नहीं है तो फिर राजनीति में आप हो नहीं हो, एक ही बात हो जाती है। हालांकि उसके चांस बहुत कम है कि ये इनका ही खुद का एक धड़ा बना ले या अपनी खुद के बेस पे या कोई अपनी नया दल बनाकर चुनाव लड़े, इसके योग बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर ये पार्टी बदल कर जाते हैं तो भी मुख्यमंत्री तो बनना बहुत मुश्किल है, बहुत इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति में स्थायी रूप से रहेंगे, जो पावर वाली बात जो मैंने अभी की वो इनके पास रहेगा। तो ये था इनका पूरा राजनीतिक कुंडली का, इनका राजनीतिक करियर का विश्लेषण, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, आपके कमेंट्स एंड थॉट्स हैं वीडियो के नीचे, आप कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पर कमेंट करके बताइए। और अगर आप राजस्थान से हैं तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, राजस्थान से हैं तो वहाँ पे आपके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो भी आप बताइएगा, आपके हिसाब से क्या सचिन पायलट जी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।